नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने शहर में प्रतिबंधों और यातायात नियमों के संबंध में कई घोषणाएं की हैं। इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन के लिए कई राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के दिल्ली में आने की उम्मीद है। आने वाले लोगों की सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक, जापानी पीएम फुमियो कशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज उल सऊद जैसे नाम शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन में 9 से 10 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाला है, जिसके चलते उसके आसपास की सड़कों को बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि प्रतिनिधि राजघाट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और भारतीय कृषि रिसर्च संस्थान का भी दौरा करेंगे। इन दो दिनों में राष्ट्रीय राजधानी काफी प्रभावित रहेगी, जैसा कि नई दिल्ली इस सप्ताह के अंत में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां कई उपाय कर रही हैं। आश्रम चौक, भैरव मार्ग और पुराना किला रोड से आगे मथुरा रोड पर भी किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। NH-48 पर धौलाकुआं की ओर से किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी और यातायात को अनिवार्य रूप से दूसरे मार्गों से मोड़ दिया जाएगा। शिखर सम्मेलन की अवधि के दौरान आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो कार के सभी उद्घाटन और उपयुक्त दस्तावेज अपने साथ रखें। वेस्ट मटेरियल, खान पान, हाउस कीपिंग और अन्य होटल सेवाओं से निपटने वाले वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी। एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा आपातकालीन वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। यह समिट को लेकर किया गया है। इस दौरान आप उस इलाके में पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून्स, हैंग ग्लाइडर्स और एयरक्राफ्ट स्काई डाइविंग, पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि ये आदेश 12 सितंबर तक लागू रहेगा। अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि उसे जेल में भी डाल दिया जाए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने VIP मूवमेंट की लाइव ट्रैकिंग के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क स्थापित किया है। एक एम्बुलेंस सहायक नियंत्रण कक्ष में भी स्थापित किया गया है और गूगल मैप जैसी मानचित्र सेवाओं के साथ समन्वित प्रयास किए गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।